कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंसेस पर आज समाअत होगी। हमजा शहबाज आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। दोनों के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में कार्रवाई होगी। तो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंसेस पर आज समाअत होने जा रही है। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राबता किया है इबादुल हक से। जी बात बताइएगा इस समाअत के हवाले से। जी, एहतसाब अदालत में आज शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंसेस पर समाअत होगी। देखिए, एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन की रिटायरमेंट की वजह से ये कार्रवाई जो है वो ड्यूटी जज के अदालत में होगी और ये इम्कान है कि आज कोई बड़ी पेशरफ्त ना हो सके। हमजा शहबाज तो आज अदालत में पेश होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ बैरून मुल्क हैं, उनकी तरफ से हाजिरी माफी या हाजिरी से इस्तीफा की दरख्वास्त दी जाएगी। ये देखना है कि नैब के वकील उस पर क्या मौकफ अख्तियार करते हैं, आया उस दरख्वास्त की मुखालफत की जाती है या नहीं। ये भी आज ड्यूटी जज के सामने दरख्वास्त पर कार्रवाई के बाद ये बात सामने आएगी। इससे पहले भी गुज़िश्ता समाअत पर एहतसाब अदालत के जज की रुख्सत की वजह से कोई काबिल जिक्र पेशरफ नहीं हो सकी थी, लेकिन क्योंकि आज तो जज ही रिटायर हो गए हैं, नए केसेस के लिए नए जज का तकर्रुर नहीं हो सका, ये फैसला नहीं हो सका कि जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस है वो किस किस पर अदालत के सपोर्ट किए जाए, इसलिए आज ड्यूटी जज। जी बहुत शुक्रिया इबादुल हक, हमें अपडेट कर रहे थे।